भाई केर सिंह, भाई बेअंत सिंह ते भाई सतवंत सिंह जी दे शहीदी दिहाड़े मौके सरदार सिमरनजीत सिंह मान श्री अकाल तख्त विखे होए नतमस्तक। श्री आनंदपुर साहिब विखे नौजवान गोश्त दौरान वक-वक पंथ सेवक शख्सियतां ने की शमूलियत। दिल्ली च मेयर चोणां दौरान आप ते बीजेपी कौंसलर विचाले हथों पाई कारण होया हंगामा। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान अते संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट सरदार सिमरनजीत सिंह मान अज भाई केर सिंह, भाई बेअंत सिंह अते भाई सतवंत सिंह जी के शहीदी दिहाड़े मौके श्री अकाल तख्त साहिब नतमस्तक होने श्री अमृतसर विखे पहुंचे। इस मौके उन्होंने रईए विखे पुल बनाने के मसले से अपने विचार संगतां नाल सांझे कीते। इको शहर को दो वर्डियां पालूगा अगे नेहरू गांधी जिन्हें माउंटबेटन ने पाकिस्तान बनाता हिंदुस्तान बनाता वो पंजाबी इधर नहीं आ सकते असी उधर नहीं जा सकते असी बिल्कुल खिलाफ है इतने दुकानदारों के बीच मंडियां पाई जा जी मौजूदा सरकार सेंटर की बीजेपी से आर एस एस इसने व्यापार का दुकानदारों का बहुत नुकसान किया है जी वे वे मॉल बनाते हैं वो दुकानदारी के उत्ते बहुत फर्क पड़ा और असि चाहते हैं कि तुम खुले दिल के नाल हम वोट पाओ जी पार्टी थोड़ा काम कर सके बेशक कई पार्टियां मजहब से चल रही है कई कांग्रेस के नाम लगे हुए है पर जिन्हें काम ना कर सकन उन्हों का फायदा नहीं होता। सतिकारत पंथक सेवक शख्सियतों वालों सिख सफा विच आपसी संवाद के शुरू किए सिलसिले तहत तीजी विचार गोष्ठ 2 अते 3 जनवरी नू श्री आनंदपुर साहिब विखे हुई। इस विचार गोष्ठ विच पंथ अते पंजाब दी सेवा विच सरगर्म नौजवान जथियां दे नुमाइंदियां ने शमूलियत की। श्री आनंदपुर साहिब विखे शुरू हुई 2 दिना नौजवान गोष्ठ की शुरुआत मौके भाई दलजीत सिंह वालों नौजवानों नू 4 अहम नुकतियां बारे अपने विचार पेश करन अते संवाद रचाउण लई सद्दा दिता गया। जो हुण हालात ने पंथ पंजाब सामने जो बड़े ही एक बड़ा एक क्रिटिकल समा आ जिथे सानू बहुत जरूरी है कि पंथ अपनी असल समर्था चावे अपनी असल ओरिएंटेशन अख्तियार करे। साडा यही ऑब्जेक्टिव आ कि वो एक निग्गर ते एक क्रिएटिव विचार परंपरा शुरू होवे जिस चों अपने अगे दे राह होर भी स्पष्ट होके निखर के सामने आउण। साडे चों किसी ने कोई इलैक्शन नहीं लड़नी, कोई पार्टी नहीं बनाउणा, ना कोई धड़ा बनाउणा, ना असी किसी नूं प्रमोट करदे। असीं तां तुहाडे समुचे पंथ अगे खास करके नौजवान अगे इह अपील भी है कि चैलेंज भी है कि इह मौके ते तुसीं इस नूं सांभो। अपने लिए बड़ा लाजमी है कि आपां अकाल तख्त जिथे सारा पंथ कट्ठा हुंदा सी, जो पंथ दा तुरा सी विचार दा गुरमते दा सरबत खालसे दा, उहनूं आपां आजाद कराईए। जो अपनी आजादी दी लड़ाई, खालिस्तान दी लड़ाई, कि उहदे बारे आपां की करना है, किस तरह जिहड़ा आइडिया आ साडा आजादी दा, खालिस्तान दा, सिख स्टेट दा, उन्हों किवें दुनिया च अगे लैके जाना। जिहड़ा हुण तक सब दा प्रबंध है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सब कमेटी बना दी है, सब कमेटी के थले तखत का प्रबंध होंदा, तो जाने के उस हिसाब के नाल तखत का प्रबंध हैरारकी के हिसाब न तीजे नंबर पर होंदा तखत का जथेदार। मतलब इत्थे जिथे आपां केसगढ़ साहब बैठे हैं इत्थों दे तखत के जथेदार नूं इत्थों उन्हें आनंदपुर साहब तो बाहर जाना तो उन्हें केसगढ़ साहब के मैनेजर नूं दस के ही जाना पैंदा। उन्होंने जिनी भी टास्क फोर्स होर वगैरह वो भी इन्हों तो ही लैनी होंगी है, यानी कि इस प्रकार का प्रबंध हैगा।
तो एक तो ये मैं लगता कि जदों ये प्रबंध तख्त जोड़े है श्रोमणी कमेटी की भी सब कमेटी के अंडर किए ने एक जी सा तख्त प्रति समझ सी वो फर्क सगा उदों एक उस वेले की जी प्रचलित पॉलिटिक्स भी योगदान रहा क्योंकि इतों वाला जोड़ा केसगढ़ साहब का प्रबंध सगा ये भी श्रोमणी कमेटी या अकाली दल ने नस लिया ये निर्वैर सेवक शहीदी जथे ने लिया सगा जोड़ा दुआबे का सगा हुशियारपुर या होने वाला जोड़ा नवांशहर जिला तो जोड़ा अकाल तख्त साहब का प्रबंध सगा वह भी उस वेले सेंट्रल माझा दीवान कोल सगा अकाली दल को नहीं रहा घट्टो घट इत्थे दा प्रबंध तख्त का 14 साल पहले 14-15 साल श्रोमणी कमेटी को नहीं रहा इदा ही अकाल तख्त साहब का भी 10 साल तो है जो नहीं रहा उन्होंने को उस वेले मेरे ख्याल क्योंकि जोड़ा एक्ट बन गया वो श्रोमणी कमेटी सब तो पावरफुल हो गई तो उस समय की पॉलिटिक्स के हिसाब के नाल तख्तों अंडरमाइन करने के लिए भी उन्होंने इस तरह के उदों प्रबंध लेके आते जिन्हों का अज आप सिट्टा भुगतना पै रहा कि साडा जोड़ा रूट कॉज है वो प्राइमरली वेस्ट एजुकेशन का मॉडल है जोड़ा मैकलॉड ने दिता आफ्टर 1849 तो उसने साडी थिंकिंग प्रोसैस साडी लॉजिकल होना हर गल च साइंस नू लैके आना मैं कॉन्वेंट एजुकेटड हाँ तो कारपोरेट से 14 साल नौकरी की है तो उन्होंने सारा वर्तारे नू देख के ये देख रहे हैं कि उत्थे जिहड़ी दौड़ है वह सुप्रीमेसी की है पैसे की है तो दौड़ हैगी पावर की ये तीनों चीज़ा काम कर रही ने कारपोरेट वर्ल्ड से और हर बंदा चाहता है कि मैं प्रमोट होव मैं सुप्रीमेसी मिले मैं पैसा मिले तो मैं पावर मिले और सेम चीज़ इस वेले साडे पंथक सर्कल्स विच साडी पॉलिटिक्स विच या साडे रिलीजियस कामों विच आ चुकी है तो जदों असी वापस मुड़े हाँ तो फिर इस पासे भी मुड़न की कोशिश है अकाल तख्त साहब की आज़ादी होर खुदमुख्तियारी नाल एक चीज़ तो क्लीयर हो जाएगी कि तुसी एक पैरल पावर सेंटर वापस बन जाओगे अगर तुसी पंजाब पॉलिटिक्स विच पार्टनरशिप से नहीं भी हो या इंडियन विच तुहाडी कोई वक्त नहीं भी है पर तुसी एक पावर सेंटर बन जाओगे क्योंकि तुसी फिर अपने सॉवरन हिसाब नाल अपने काम करोगे ये चीज़ बहुत क्लैरिटी है तो इस मैसेज नू मेरी ये बेनती है कि सानू एज अ टीम मतलब जिवें भाई साहब ने कहा कि असी सारे सारा कुछ करना चाह रहे हैं तो उस तरह रिजल्ट्स नहीं आएंगे सानू फोकस होकर काम करना पड़ेगा तो अपने अपने चीज़ों को लेके थ्रू सोशल मीडिया जिवें मैं एक एग्जाम्पल है जो मैं कहना चाहवाँगा जिहड़ी गल मान लो भाई मनतीर सिंह जी या भाई दलजीत सिंह जी या डॉक्टर सेवक सिंह जी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी बैठे ने यह जो सोशल मीडिया से बोलते हैं तो होर बंदियां नू अगे आके उस चीज़ को वाउच करके अपने छोटे छोटे क्लिप्स इंस्टाग्राम के थ्रू फ्लोट करनी चाहिए है क्योंकि जो तुहाडे मल्टीपल मैसेज जाएंगे तो एक इंपैक्ट पैंदा है नॉर्मली हुण की हो रहा है कि जे मान लो मैं खालिस्तान की गल करना तो एक टैगिंग हो चुकी है कि ये खालिस्तानी है पर जो तो मल्टीपल लोग उस चीज़ को वाउच करेंगे तो एक फ्लोटिंग होगी बंदा एक बार सोचेगा जरूर कि चीज़ जा रही है तो तुम मार्केटिंग की भी स्ट्रैटेजी देखो नॉक कर देने अलग अलग तरीके एक ऐड पाएगा फिर दूजा ऐड पाएगा कभी वो अक्षय कुमार को लै आते हैं कभी किसी को लै आते हैं तो वह भी अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से लोग कर रहे हैं तो अकाल तख्त साहब की सोवरैनिटी अकाली जत्थियां का प्रबंध ये सानू फ्लोट करना चाहिए और चंगे लैवल से करना चाहिए जितों तक अपन डिस्कशंस करते आ रहे हैं जो हमने हालात बन रहे हैं असी सोच रहे कि एस जी पी सी इलेक्शन 2022 हो जाएगी पर हुण 2024 उन्हां दी इलेक्शन अपन आ रही ने तो मैनू परसनली नहीं लगता कि एस जी पी सी दी इलेक्शन अगले 1 साल या 1.5 साल च हो गई मैं गलत भी हो सकता पर मैनू परसनली नहीं लगता तो सानू फोकस मेरे हिसाब नाल अकाल तख्त साहब वाला जिहड़ा सिस्टम है प्रबंध वो की होना चाहिए किवें दा सी ते उस विच असी जिहड़ा वर्ल्ड डायस्पोरा हैगा क्योंकि सिख इस वेले हर जगह बैठा है उत्थे असी कर सकते हैं जिहड़ियां वड्डियां ऑर्गनाइजेशनस ने जो चंगियां काम कर रही ने असी उन्हां नू बुला के भी एक मीटिंग्स कर सकते हैं या ऑनलाइन सैशनस कर सकते हैं ताकि उन्हां नू भी असी क्लीयर पिक्चर दे सकीए कि यह प्रबंध सीगा ते आपां इस उपर काम करिए जकरिया खान नू तुसी जिन्ना मर्जी वंगार लो उन्हें कढ़ाउणा आ ना जकरिया खान नू कि कहिंदे ना कि चौंक च खड़ के वंगारिया जा सकदा आ पर अनोख सिंह बब्बर नू जिन्हां ने शहीद किया उन्हां नू इन्ना वंगारिया जा सकदा साडा इतिहास भी साडे डर तो निर्भर हुंदा आ कि जिन्ना कि असीं डरदे हाँ उन्ना कि इतिहास सुनाउणे आ है ना कि ये थोड़ी है साडे शहीद आ साडा गुरद्वारा साडी स्पेस आ ते असीं उस स्पेस दे विच भी उन्हां शहीदां दी गल नहीं कर पाउंदे है ना क्योंकि जो रंधावा कहिंदा ना कि डर चो जम्मे हुए लोग आ
इन्हों नू विरसे च डर मिलिया आ ना मैं दे वो सानू डर तो मुक्त होना पैना आ कि असी घट्टो घट आप दी स्पेस दे विच आप दी संगत दे विच जदों आप दे शहीदां दी आप दीआं लहरां दी गल नहीं करांगे है ना कि वो जिहड़ा वीर जी ने गल कीता सी ना कि टैग तो है ना कि ये खालिस्तानी आ ये गर्म दलिया आ ये है ना पहला तो उन्हां टैगां ते माण करना शुरू करिए कि साडी लहर आ सानू माण आ कि उन्दे विच उहो जिहड़ा माहौल आ कि नहीं ये तां है ना फिर की आ असीं तां इहो जिही आ ना जिवें साडा मित्र बड़े है ना वो हासे जे च कह दिंदा हुंदा कहिंदा मेरे नाल गल ना करो है ना मेरे दिमाग नूं सिक्खी चढ़ी आ कि वो उसनू भी मान च लै कहिंदा कि मेरे नाल गल करन दी लोड़ नहीं तुहानूं है ना कि जे तुसीं कहिंदे आ कि मैं गर्म दलियां जां इह कि ठीक आ हैगा तां हैगा ते तां करके सानूं जिवें मार्क्स कहिंदा ना कि तुहानूं कि जां तां तुसीं आपदे आप नूं प्रभाषित करो नहीं तां दुनिया तुहानूं प्रभाषित करेगी। दिल्ली विच नवें मेयर डिप्टी मेयर अते स्थाई कमेटी दी चोण नहीं हो सकी है। सवेरे 11 बजे कौंसलरां ने सहुं चुकनी सी पर अधिकारियों ने जिवें ही नामजद मैंबरां नूं पहलां सहुं चुकाउणी शुरू कीती तां आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिता। आप दे विरोध दे खिलाफ बीजेपी दे कौंसलर भी अग्गे आ गए। दोवां दे विच धक्का मुक्की शुरू होई ते गल हत्थों पई तक पहुँच गई। आप दे कौंसलरां ने अधिकारियों दे आले दुआले घेरा बना लिया तां कुछ कौंसलर कुर्सियां चुक चुक के सुट्टण लगे। धक्का मुक्की दौरान कई कौंसलरां नूं सट्टां भी लगियां हन। एल जी वल्लों मेयर दी चोण दे लई बीजेपी दी कौंसलर सत्या शर्मा नूं प्रो टाइम स्पीकर नियुक्त किया गया। आपने मुकेश गोयल का नाँ रखा पर प्रो टाइम स्पीकर ने जिवें ही एल जी वालों नामजद मैंबरों को सहुं चुकाउणी शुरू की तो आम आदमी पार्टी ने नारेबाजी शुरू कर दी। उधर कांग्रेस ने मेयर चोणों में शामिल होने तो इनकार कर दिता। बीजेपी की एम पी मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप आगुआ नियमों का पता नहीं है इसलिए वह हंगामा कर रहे हैं। जेकर बहुमत है तो डरन की की जरूरत है। राज्यसभा भी आप दे मैंबर अजिहा ही करते हैं। पिंड कोरियाणा विच किसान यूनियन एकता उगराहां अते पुलिस प्रशासन विचकार उस समय स्थिति तनाव भरी बन गई जदों गुजरात तो गुरु गोबिंद सिंह तेल सोधक कारखाना फुलोखारी नूं विछाई जा रही गैस पाइपलाइन अज सवेरे कंपनी अधिकारी सिविल ते पुलिस प्रशासन की मदद नाल उक्त पिंड दे कुछ किसानां दी सहमति तो बगैर उन्हां दे खेतों विच पौण लगे। बीकेयू उगराहां दे जिला आगू जगदेव सिंह जोगेवाला ने दस्सिया कि कंपनी वल्लों विछाई जा रही गैस पाइप दा पिंड कोरियाणा दे उन्हां किसानां नूं पूरा मुआवजा नहीं दिता जा रहा जिस करके किसानों ने पाइपलाइन का काम रोकया होया है। उन्हें दसे कि अज सवेरे 4 बजे कंपनी अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के जोर न कोरियाणा के गोगी सिंह ते होर किसानों के खेतों में मशीनों पाइपलाइन पौन लगे। जदों उक्त किसानों नूं पता लगा तो उन्हें बीके उगराहां ब्लाक तलवंडी साबो नूं सुनेहा दिता तो ब्लाक आगू बिंदर जोगेवाला की अगवाई विच किसानों ने मौके पर पहुँच के विरोध शुरू किया। उन्हें दसिया कि पुलिस ने किसानों नाल धक्का मुक्की करदिया बिंदर सिंह समेत 4 किसानों नूं गिरफ्तार करके थाना तलवंडी साबो लियांदा। उक्त घटना का पता लगदिया ही जिला आगू जगदेव सिंह जोगेवाला ब्लाक आगू काला सिंह चट्ठेवाला और रणजोत सिंह माही नंगल की अगवाई विच वड्डी गिणती विच कोरियाणा पहुंचे किसानों के काफिले ने धक्के नाल पाइपलाइन पाउण का विरोध किया तो इस के पुलिस अते किसान आगुआं विच काफी बहसबाजी ते धक्का मुक्की भी हुई। किसानां दे विरोध कारण जिथे गिरफ्तार किते 4 किसान आगू बिना किसी शर्त रिहा करने पे उथे पुलिस अधिकारियों ने कल नूं किसान आगुआं ते कंपनी अधिकारियों की SDM तलवंडी साबो नाल मीटिंग करवाउण दा विश्वास दवाया। किसान आगुआं ने कहा कि उक्त किसानां नूं कंपनी बण दा मुआवजा देवे जेकर किसानां दी सहमति तो बगैर धक्के नाल पाइपलाइन पाउण दी कोशिश कीती तां भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां वल्लों सख्त विरोध कीता जाएगा। दूजे पासे उक्त मामले नूं लै के पिंड कोरियाणा विच स्थिति तनाव वाली बनी रही। देखो जदों तड़के 4 बजे धक्के नाल प्रशासन आया किसानां दा की खराब करी हुई आ फसल धक्के नाल किसानां दे राज जिहड़े कहिंदे सी बदला इत्थे भगवंत मान दी सरकार आऊ लोकां दा राज होऊ जनता दा राज होऊ कुछ नहीं इत्थे धक्के नाल तड़के असलीम साहब 4 बजे आए है नाल पुलिस प्रशासन है उह धक्के नाल किसानां दी मर्जी तों बिना इत्थे पाइपलाइन पाई जा रही है अंग्रेजां नूं भेड़ा की हाल कीता जा रिहा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों किसानी मंगा संबंधी शुरू किए धरनों का सिलसिला अज भी बादस्तूर जारी रहा।
इस दौरान किसान जथेबंदी ने दावा किया कि जथेबंदी वालों उभारे जा रहे मुद्दों नाल सहमति जतौंदिया भरातरी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने अमृतसर विच तीन टोल प्लाजा समेत पंजाब पद्धर ते टोल मोर्चियां ते तीन चार घंटे लिए भरपूर गिणती नाल समर्थन दिता। इस मौके सूबा आगू गुरबचन सिंह चब्बा ते जिला प्रधान रणजीत सिंह कलेरवाला ने टोल प्लाजा छिड़न मोर्चे तो संबोधन करदिआं कहा कि टोल टैक्स नाल लोगों की जेब ते दोहरा डाका वज रहा है अते जथेबंदी पहलां तो ही सरकार दे इस काम का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि होर भी भरातरी जथेबंदियों को चाहिए है कि लोग मुद्दों को लेकर अंदोलन का समर्थन किया जाए। टोल प्लाजा मानावाला विच जिला सीनियर मीत प्रधान जरमनजीत सिंह बंडाला ने अते बीकेयू उग्राहां दे जिला प्रधान कश्मीर सिंह ने कहा कि धरने प्रदर्शन करना अणख का सवाल ना होकर साडी मजबूरी है। जो आप सुबह उठते हैं हजे उठे भी नहीं होंगे उदों कि जानवर हमला करते हैं क्योंकि परसों हमला कर नहर से नक्का भरण की खातर चार बजे ते अज तड़के फिर हजे उठे भी नहीं सी उदू पहला कॉल आ जाती है भी अज जिहड़ा कौड़ियाणे दे वाणा दे विच उह मशीनां दरड़ दरड़ करदियां उह किसानां दियां फसलां नूं तबाह कर रही है। इस करके उह किसानां दे काफले जांदे है उह किसान जांदे आ खेतां दे मालक ते उहनां नूं किवें धक्के नाल फड़ के गिरफ्तार कीता जांदा है ते भरम पालिया जांदा है भी भरावो ऐ धक्के नाल जमीनां ते कब्जे कीते जाणगे पर जदों तुहाडे काफले वहीरां करदे आ पिंडां चो प्रशासन दे कन्न खड़े हुंदे आ ओही डिप्टी ओही इत्थों दा एसडीएम जिहड़ा कहिंदा सी इह तां हर हाल तई निकलनी है पर जदों तुहाडे काफले मंडी च इकट्ठे हुंदे आ उदों उहनां दे कन्नां च पिणक पैंदी है वी जथेबंदी दे जुझारू वर्कर साडी बदाणा मंडी दे विच आ रहे आ पर भरावो इक फर्क उत्थे हैगा क्योंकि जे ओह पिंड जिहड़े तिंन दो पिंडां नाल लगदे उत्थों वी 100-100 बंदा आया हुंदा उहनां दी ताकत नहीं सी वाणां दे विच वड़ जांदे क्योंकि ओह हजे नवें पिंड आ साडे पर जदों आपां काफले लै के उत्थे गए आ पुलिस नाल भिड़के उहनां मशीनां नूं रोकिया जा के किसानां ने हिक्कां डाहियां मशीनां अगे वी नहीं चलण देवांगे जिहड़ा इत्थों दा एसडीएम कहिंदा सी इह लाइन आर्डर है मैं आर्डर कीता होया है किसानां नूं गिरफ्तार करना है ऐ जाके दो किलियां ते भज के खड़ गया क्योंकि उत्थे जदों डांग चलदी है उदों नहीं देखा जांदा वी एसडीएम है एसएसपी है कि डीसी है उदों भरावो फिर जिथे किसान नूं लगदा है उवें वहुंदे है ते अगले भी वहुंदे है इस करके उदों बाद उह तां तनावपूर्ण हालात बने उदों बाद उहनां नूं पिछे हटना पिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों दिते गोलक वाले बयान नूं लैके माहौल गरमाया होया है। श्रोमणी कमेटी वालों इस बयान का विरोध किया जा रहा है। इस दे चलदे अज एसजीपीसी दे जनरल सकत्तर की अगवाई हेठ लुधियाणा दे डीसी दफ्तर मूहरे रोस प्रदर्शन किया गया। एसजीपीसी मैंबरां दी मंग है कि सीएम मान ने यह बयान दे के सिख भावनावां नूं वड्डी सट मारी है इसलिए उन्हां नूं एसजीपीसी मैंबरां तों माफ़ी मंगनी चाहीदी है। एसजीपीसी मैंबर राजिंदर सिंह मेहता ने कहा कि भगवंत मान सीएम बनन तों बाद हंकारे गए हैं जिस कारण उन्होंने यह गलत बयान दिता है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सानू सारी जानकारी देण कि उन्होंने गुरु घर दी गोलक विच किन्नी माया पाई है असीं उन्हां नूं ओह भेटा वापिस करांगे तां जो सीएम मान नूं इह भुलेखा ना रहे कि उन्हां दी चढ़ाई भेटा एसजीपीसी मैंबरां दी जेब विच जा रही है। उन्होंने भगवंत मान वल्लों मैडिकल कॉलेज बनाउण वाली गल नूं वी झूठा करार दिता। भगवंत सिंह मान आउण वाले मुख्य मंत्री हो सकदे आप वल्लों आपदी सरकार वल्लों ते बड़ी स्पष्ट शब्दावली सी इहदे बॉस दी केजरीवाल दी कि नहीं ये इमेच्योर व्यक्ति है ते इहदे सानू बहुत मच्योर जिहड़ा मुख्यमंत्री सेवा वास्ते बंदा चाहिदा इस करके उह वाकई उहने इमेच्योरिटी दा जिहड़ा सबूत दे दित्ता इहो जिहे बेहूदा बयान कारण केवल यह कि दिमागी तवाजन उहदा हिल गया हुकूमत दे नशे दे विच उहनूं अपना तवाजन बैलेंस करदिआं होइआं जल्दी तों जल्दी इहदे अपने इस दित्ते होए बयान दे संबंधी खिमा याचना करनी बनती है पब्लिकली सिख संगतां तों कि मैं बहुत गलत बोल बैठा जे साडा ये ना वेखे कि श्रोमणी कमेटी इत्थे की रिएक्ट करती की प्रतिक्रम देंदी है घट्टो घट अपने दिते बयान पर परिवार च बह के उन्होंने पुछ लिया मैं बयान दे गया किन्नी शोभा वाला बयान है किन्ना चंगा बयान अकलमंदी का बयान है तो माँ ने इन्हें लानत पानी है तो किसी जो बेहूदा बयान देता फिरद इस करके योजे बेहूदा बयान दे लगा हज़ार बार लोगों को सोचना चाहिए सो अं तो वार्निंग दें अखीर के उत्ते इस संबंध अ डीसी अमृतसर में यही मैंबरों दे के आए हैं ता कि तक साढ़े भावना जी पहुँचन तो वनू अहे वार लिख के दिता लिखती तौर पर मैंबरों ने लिखा और मीडिया तौर पर भी वार्निंग देने कि जिनी छेती हो सकता है ये खिमा जाचना करे। भगवंत सिंह मान अपने परिवार समेत मान मुख्यमंत्री बनने तो बाद
हरिमंदर साहब आए या किसी होर गुरु घर आए जिते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध चल रहा सेवा चल रही है जिथे भी गए ने मैं तो यह भी बेनती करूँगा जो एड्डा वड्डा पछतावा हो गया लोगों को अपीलों करता है तो सब तो पहला अपने मा परिवार को पूछ लवे अपने माता श्री भैन जी ने पूछे किन किन की भेटा की है इन्हें आप खुद मत्था टेकन लगा जिनी भेटा की है वह सारी माया का हिसाब किताब बना के सानू दे दे चैक बना के श्रोमणी कमेटी वालों वाफ दे देने ता कि मन च यह ना डर रहे खदशा बनया रहे कि जेडे मैं मत्था टेक है मैंबर की जेब चले गया इस करके जे वो दे दूगा तो अं चैक बना के भेज भी देंगे तो अब मेहरबानी ये बेनती करा कि वो जी दिती वापस की माया ना वो मस्तुआ ने जो ठगे मार के लोगों झूठ बोल के जो कॉलेज बना मैडिकल कॉलेज बना के दावे कर रहे हैं ना पंजाब सरकार कर रही है मानसा बड़ा व्डा हिकतान के कर रहे हैं वो जाके फिर सेवा सेवावान ला रहे कहते मन का पछोताना ना भरया डी सी साहबान वक् वक् जिलों के दते गए हैं याद पत्र कि ये जोड़ा वा ये इस संबंध में माफ़ी मंगा पर क्योंकि राज हठ बड़ा तीन हठ गिने गए राज हठ भी जिहड़ा एक एक किस्म की जिद जिहड़ी है बंदे नूं लिभण नहीं दिंदी ते टकरा दिंदी है ये गुरु घर नाल टकराया गुर सिद्धांत नाल टकराया गुरसिखी नाल टकराया गुरसंगत नाल टकराया वेखो काल खाए के छत्थों दे नानक राह पछाणे से गुरु नानक देव साहब जी ने सिद्धांत दिते इहदे तों अलावा गुरु अंगद देव साहब जी दे वेले जिहड़ा लंगर का सिद्धांत माता खीवी जी आप लंगर वरताउंदे रहे जी गुरु अमरदास जी दे वेले पहले पंगत पाशे संगत फिर गुरु अमरदास जी दे वेले जी गुरु अर्जन देव साहब जी ने दसवंध का सिद्धांत दिता फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिहड़ा जदों संगत आई शहद लेके काबल दी ते रस्ते च किसे गुरसिख नूं लोड़ पई ते उन्हां दिता नहीं कि गुरु साहब नूं भेट करना जदों इत्थे आण के ते खोल लिया ते उहदे विचों किरम नीले चले निकले ते फिर उन्होंने गुरु साहब जी अगे नमस्कार करके खमा जाजना की गुरु साहब की कौतक वरत्या गुरु साहब ने बख्शिश की भी भाई जिस गुरसिख नूं लोड़ ही उदों ते तुहां दिता नहीं तो मेरे लिए नहीं गा ये तो गुरु का गरीब का मूँह गुरु की गोलक गोलक के सिद्धांत उत्ते कटाक्ष करना फिर खास तौर पर कला श्रोमणी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के जिहड़े प्रबंध अधीन गुरद्वारा उन्होंने उत्ते जिहड़ा कटाक्ष करना ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़े लंबे समय तो अपने वख वख जिहड़े डिप्यूट किए लोगों के राही जिहड़ा ये अपना नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे जिहदे च अज तक सफल नहीं हो सके कला भगवंत मान ने बड़ियां शक्तियां ने जिहड़ियां कर रही इस वेले भगवंत मान उन्हां दा चेहरा वा बतौर मुख्यमंत्री पंजाब ये पिछों सारे रले ने जदों इहदा कुछ भी नहीं कर सके तो फिर इन्हें उदण अपनी फ्रस्ट्रेशन कढ़ी कढ़ी इन्हें कालज की एक उहदे बहाना लेके कालज नूं दित्ती जाण वाली जमीन सानूं की इतराज़ है जी कालज नूं काल वो महापुरखां दा स्थान है उत्थे कालज बनना बड़ा जरूरी आ पर ये की गल एडा न्याणा एडा कमला इहनूं पता नहीं गा भी जदों कोई सरकारी प्रोजैक्ट बनना तो उहदे वास्ते जिहड़ा वो ड्यू डिलीजेंस हुंदी आ भी ये इत्थे बन सकदा नहीं बन सकदा इत्थे कोई केस चलदे उत्थे कदे वी नहीं बनदा फिर अजिहे थावां ते सरकार जगह जिहड़ी आ अक्वायर कर लैंदी आ ये अक्वायर कर लैण ते जे बड़े अजिहे स्थान भी ने जिथे लोगों ने जमीना जायदादां दान दित्तियां ने तो उत्थे जिहड़े आ वो गवर्नमेंट दे प्रोजैक्ट बणिया जिवें विद्यासागर जिहड़ा हैगा सीगा मैंटल होस्पिटल जां आ जिहड़ा ई एन टी है ये भी जगह दित्ती आ भंडारी पुल आ भंडारी परिवार ने सेवा करवाई गवर्नमेंट दीआं चीज़ां ने ना पर उहदे च कोई अजिहा झगड़ा रगड़ा वगड़ा नहीं सी हैगा पर इत्थे जदों केस चलदा ते केसां दी कस्टोडियन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है उत्थे जिहड़ा वा इहनूं इह सोच के जिहड़ा वा इह इस जगह ते नहीं पत्थर रखणा चाहिए जदों उह देखिआ भी इत्थे केस चलदा मैं फस गया तो वह जिहड़ा सी उह उस फ्रस्ट्रेशन नूं उस अपनी नाकामी नूं लुकाउण वास्ते इहने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ जिहड़ा इह उदण बयानबाजी की आ। श्री फतेहगढ़ साहिब विखे बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज विद्यार्थियों ते सुरक्षा कर्मचारियों हुई हिंसक झड़प के मामले में वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे नुमाइंदियां ने SGPC ते कॉलेज प्रशासन नाल मीटिंग की जिस दे कढ़े गए सीटियां बारे जथेबंदी दे नुमाइंदे पप्पलप्रीत सिंह अते वकील ईमान सिंह खारा ने पत्रकारां नूं जानकारी दित्ती।
उन्हों का कहना है कि पंजाबी सुरक्षा कर्मचारियों दी पग्गां रोलियां गईयां अते किरपान नाल हमला किया गया। इसके बावजूद उन्होंने लिखती बयान च यह सब नहीं लिखवाया गया। सुरक्षा कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने हमलावर विद्यार्थियों वालों सिख नसलकुशी की धमकी दी गई। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बिहारी विद्यार्थियों का पक्ष पूरदिया सुरक्षा कर्मचारियों ही दोषी ठहराया है। उन्होंने कहना है कि सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही कारण ही गल इन्नी वध गई सी। उन्होंने श्रोमणी कमेटी के अधिकार अंदर आउंदे सारे सिख अदारों की हिमायत भी की ते कहा कि उन्होंने कर्मचारियों को कट दिया गया है। हुण साडी एक मीटिंग जिहड़ी आ कॉलेज के प्रबंधक जिहड़े ने उन्होंने नाल होके हटी इनकलूडिंग प्रिंसीपल मीटिंग दे विच असीं वख-वख पक्खां ते गल कीती आ कि जिहड़े लोकां ने सिख अदारे दे विच आण के भनतोड़ कीती अपने होस्टलां चों निकल के जां जिस वी रूप दे विच उन्हां नूं सज़ा योग बनाया जावे। जे CCTV फुटेज आ उहदे ते बड़ी फेयर इनकुआरी होवे कि कोई भी किसी नूं कोई हक नहीं गा कि इस तरह की भनतोड़ होवे जां जिहड़े दोष ने उन्हां वल्लों सिक्योरिटी गार्डां वल्लों कि सानू बिहारी विद्यार्थियों ने साडी पग जिहड़ी आ पैरां च रोली आ। एक हुंदा लड़ाई च पग लथ जानी, एक हुंदा पग नूं रोलना। पग नूं रोलना बहुत घृणित अपराध आ। अगली गल इह आ कि जिहड़ा डॉप टैसट आ उन्हां विद्यार्थियों का जिहड़े इस चीज़ च शामिल होए ने लड़ाई शामिल होए उन्हां डॉप टैसट होवे। जिहड़ा जो जो उन्होंने हरकतां जिस तरह के भी दोष उन्हां ते है उहदी जाँच होवे। भरोसा उन्हां तां सारा कहा कि असीं इस चीज़ के उत्ते ध्यान करांगे। इस तों इलावा जिहड़ी खास गल एक मीटिंग हुण होण जा रही आ प्रिंसीपल नाल होणगे साडे लोकल विद्यार्थी जिहड़े पंजाब दे वो सहमे हुए आ। उन्हां 50-60 बच्चों ने सानू अपनी गलबात दसी सी, वो अपना दुख दर्द जां जिहड़ा सहम आ वो अपना दसना चाहुंदे। असीं उन्हां दी मीटिंग भी प्रिंसीपल होणां दे नाल करवा रहे हैं। एक तो यह होण जा रही आ। आखिर दे विच जिहड़ी सब तो मेन पॉइंट आ, सब तो मेन गल यह आ कि सिखां दी अरदास दे शामिल आ खालसा जी के बोल बाले। तो सिखां दा अदारा होवे ते बोल हवाला इत्थे बिहारी विद्यार्थियों का होवे ते शर्मनाक गल आ। असीं यह चाहुंदे आ कि विद्या का हक बेशक सारयां नूं आ पर सिख अदारा जिहड़ा जिहदा कोटा 50% दे विच रख्या होया कि सिख विद्यार्थी इत्थे पढ़ सकण। पर जिहड़े प्रबंधक ने वो कहिंदे आ कि बच्चे सिखां दे आ नहीं रहे, बाहर वाल नूं रुझान कीता होया। इहदा कोई हल इह होवे, असीं SCPC नाल भी मीटिंग का प्लैन कर रहे हाँ। पंजोली साहब बैठ के नाल प्रधान नाल गल होगी कि वह हल किए जाण कि सिख बच्चों प्रेर के इन्हां सिख अदारियां दे विच इंजीनियरिंग जिहड़ा कॉलेज जिहड़े भी अदारे ने उन्हां च लिया जाए ता जो जिहड़ी मुश्किल की जड़ आ जिहदे च इक जड़ शामिल है कि 80% जे बच्चे तुहाडे कोल बाहरले सूबे दे होणगे उन्हां दीआं बुरियां आदतां तुहाडे कोल नाल आउणगीआं। उन्हां दा कल्चर जिहदे च वो जिस तरह के नशे लाउंदे आ वह आउणगे। उह असीं नूं रोके जाण दा हल यही आ कि सिख बच्चों की बहुतात इत्थे कीती जावे। जो एक लगता भी देखो बाहरले जिहड़े स्टेटां ने सूबे ने उत्थे तां सुणिआ सी भी सिखां ते संतां की फोटो लाउण ते भी UAP लग जांदा, पर इत्थे तुसीं देखो भी कैसी ये एक घटना बन चुकी है भी जो सिखां दे इत्थे पग्गां भी लईआं ने। 1984 दौरान दी जो उन्हां नूं धमकियां भी दित्तियां गईआं ने ते किरपानां दे जो वार भी कीते गए ने इत्थे वार ने जिहड़े मदई ने जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हां जिहड़े तोपे लगे ने इत्थे पूरे, पर फिर भी कोई प्रशासन मैं समझदा प्रशासन पूरे प्रैशर दे अंडर है, सरकारां दी प्रैशर है ते उह नहीं चाहुंदे भी सिखां नूं इंसाफ मिले। उन्हां दे कोई बयान नहीं दर्ज होण दे रहे, उह कुछ मीडिया ने जिहड़े कि उन्हां मदईआं कोल जाणा चाहुंदे ने विक्टिम्स कोल उन्हां नूं जाण नहीं दित्ता जा रिहा, होर भी लोकां नूं उन्हां तक कोई भी पहुँच नहीं कीती जान जो रहे ने। ते जो साडी इही मंग सी सारिआं ने कीती सी भी प्रशासन नूं भी जल्द तो जल्द जो एक सिखां दा बुनियादी हक है एक जो फेयर इन्वेस्टिगेशन तां होवे, घट्टो घट बयान तो दर्ज होण उन्हां दे। देखो जो मदईआं ने गल दे दसी है जिहड़ा फट मारिया उन्होंने मारिया किरपान दे नाल, पर जो मदई कह रहे ने उन्होंने पुलिस वाले नूं आख्या भी किरपान लिखो, कहिंदे बाद चो लिख देंगे तू साइन कर, धक्के नाल साइन कराए। उन्हें आख्या मेरी पग रोली गई, कहिंदा कोई नहीं बाद चो लिख देंगे तू पहले साइन कर। तो उन्होंने तो एक हिसाब न चंगी तरह ना पढ़न दिता गया बयान, एक हिसाब न खाली कागजा से साइन कराते। तो हूँ असं पुलिस नूं आने भी उन्हें तरतीमा बयान अमेंडेड स्टेटमेंट कराओ, वो भी नहीं कराउन तैयार है, कहिंदे अज कल कर देंगे कल कर देंगे। तो यह देखो ना भी सिखां नूं बाकी जो फैसला करना है वो तो माणयोग अदालत ने करना, पर एक जो सही तफ्तीश तो होनी चाहिए सिखां दा अधिकार है जी। सिख कौम के महान शूरबीर योद्धिया ने इतिहास तो रचिया पर लिखिया नहीं गया, जिन्हें इतिहासकारा ने लिखिया उसनों तोड़ मरोड़ के लिखिया गया, जिस कारण सिख इतिहास किताबों पूरी तरह गायब हो गया।
इस कारण श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज विखे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल पहली सिख इतिहास कांग्रेस के नाते सैमीनार करवाया गया, जिस विच उत्तराखंड के गवर्नर लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख मेहमान के तौर पर शिरकत करन पहुंचे। इस दे नाल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश कुमार, इतिहास के प्रोफेसर रघविंदर सिंह तंवर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालो ने भी अपने वडमूले विचार पेश करदिया कहा कि इतिहासकारां नूं सिख इतिहास की डूंघाई नाल खोज कर के लिखना चाहिदा है। अज बहुत सौभाग्य का दिन है कि अज खालसा कॉलेज में गुरु तेग बहादुर जी के खालसा कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सिख कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तीन दिन विचार चलणगे, चिंतन चलेगा, मंथन चलेगा और मैं बहुत खुशी है कि जिहड़ा इकट्ठा डिसाइड किया है कि कई विषय है जिहदे बारे सानू बहुत डिटेल विच रिसर्च और हिस्ट्री दे परस्पेक्टिव तो देखना पाएगा। अज तक इंडिया च किसी ने यह नहीं सोचा भी सिख हिस्ट्री कांग्रेस जिते के हिस्ट्री दे प्रोफेसर सिख जी रोल ते सिख की कंट्रीब्यूशन ते पेपर लिख मोर दैन 100 हिस्टोरियन वर्ल्ड से अज इकट्ठे हुए हैं खालसा कॉलेज। तीन दिन ये चलनी से साड़ी जिहड़ी डिमांड यही है कि इंडिया की हिस्ट्री बुक सिखां दा किधरे ना ही नहीं। ईवन मैं तो यह भी कहा अज कि गुरु नानक साहब बारे जिहड़ी वो लिखे है कि भगत मूवमेंट के एक पहरे च ना लाउंदा है, किधरे महाराजा रणजीत सिंह नहीं, किधरे साड़ी कुरबानी नहीं, किधरे वर्णन ही नहीं। सो अज की कॉन्फ्रेंस इसलिए है, मैं खुशी यह है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जी हिस्ट्री के हैड हैं तो तनवर साहब वो अज इतने आ पाए, उन्होंने ऐलान करता, वाइस चांसलर साहब ने करता, तो पहली बार दे हैव रिकगनाइज कि सिख हिस्ट्री जी है लिखी जाए, इंडिया की हिस्ट्री किताबों में दर्ज हो। सो तीन दिन परचे चलेंगे, जिन्हें परचे छपणगे कॉलेज वालों असं प्रिंट करा के बुक्स बनावे सरकार को भेजेंगे तो अज मन लगता है कि बड़ी कामयाब रहेगी। साडे मैनेजमेंट चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह जी और सारे मैनेजमेंट के उपराले दे नाल अज ये पहली सिख हिस्ट्री कांग्रेस का इतने सैमीनार किया गया खालसा कॉलेज के जिस दे विच विशेष तौर के उत्ते सरदार गुरमीत सिंह लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर उत्तराखंड उन्हां तो अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जोगेश सिंह उन्हां तो अलावा प्रोफेसर तंवर सिंह जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर है लंबा समा उन्होंने हिस्ट्री के उत्ते खोज की है होर बहुत सारे विद्वान हिस्टोरीयन स्कॉलर सारे इत्थे पहुँचे आ और जिस तरीके दे नाल अज ये गल दे उत्ते सारयां ने मोहर लगाई है कि सिखां दा जो इतिहास है उसनू किते ना किते तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जो एग्जैक्ट इतिहास है वो नहीं लिखा गया, सिखां ने जो मल्लां मारियां जो इस देश नू बचाया, साडे गुरु साहब ने शहादतां दित्तियां, साहिबजादियां दियां शहादतां होईयां, सिख जरनैलां ने जो मल्लां मारियां उस इतिहास नू किते ना किते अणगौलिया गया है और उस इतिहास नू रीराइट करन दी लोड़ है, लिखण दी लोड़ है कि जो सही तत्थ की है वह लोगों के सामने पेश होने चाहिए आ। सो मैं समझदा अज ये जो उपराला होया ये प्रोफेसर जोगेश सिंह ने भी इस गल के उत्ते मोहर लगाई है कि जो इतिहास रचते हैं वह लिखते नहीं, होया है कि साडे सिखां ने इतिहास रचिया लेकिन लिखण वाले होर सी जिन्होंने उहदे विच बहुत सारिया ऊनताइयां छड़ियां। सो अज ये बहुत सोहना उपराला किया गया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े इतने कॉलेज के मैनेजमेंट वालों। सो इस दे विच मैं समझदा अगले तीन दिन सैमीनार चलना है, ये बहुत चंगे जिहड़े नतीजे आउणगे और सिख इतिहास के वह पहलू जिहड़े अणगौले आ जिहड़े सामने नहीं आए वह संसार भर के लोगों को देखने आने वाले समय के सुनने पढ़ने जरूर मिलेंगे।